दोस्तों, आज के एपिसोड में मैं आपको लेकर चलूंगा एक ऐसी गुड़िया की तरफ जो बच्चों के खेलने के लिए बिल्कुल नहीं बनी, क्योंकि इस गुड़िया को सिर्फ एक ही तरह का खेल आता है और आप यह सुनकर हैरान रह जाएंगे कि उस खेल का नाम है मौत का खेल। और इस वीडियो के अंत में हम जानेंगे कि कैसे आज के जमाने में भी ये गुड़िया अपना ये खेल खेल चुकी है। तो बढ़ते हैं आज के एपिसोड की तरफ। दोस्तों, बच्चे अक्सर ही अपने खिलौनों के साथ काफी ज्यादा लगाव रखते हैं, और जब आप बच्चे थे तो शायद आपको भी अपने खिलौनों के साथ काफी लगाव होगा। पर क्या हो अगर आपको पता चले कि आपके ही किसी खिलौने में बुरी शक्तियों का वास है। और 1970 में डोना के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। दोस्तों, डोना एक 20 साल की लड़की का नाम था जो कि कॉलेज से नर्सिंग का कोर्स कर रही थी, पर उसे अभी भी डॉल्स काफी ज्यादा पसंद थी। और इसीलिए डोना की माँ ने उसे एक डॉल गिफ्ट की और डोना को वो डॉल बहुत ही पसंद आई। दोस्तों, डोना अपने फ्लैट में दो रूममेट्स के साथ रहती थी और उन दोनों रूममेट्स ने भी डोना की डॉल को अच्छी तरह से देखा था। डोना ने उस डॉल को बेड पर रख दिया और अपने कॉलेज के लिए चली गई। पर जब डोना और उसकी रूममेट एंजी वापस आए तो उन्हें ऐसा लगा कि वो डॉल शायद उस जगह पर नहीं है जहां वो उस डॉल को रख के गए थे, क्योंकि अब वो डॉल सोफे पर पड़ी थी। और डोना और एंजी दोनों ही इस बात को समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर उस डॉल ने अपनी जगह खुद ब खुद कैसे बदली। ये पहली बार था इसलिए इस बात को नजरअंदाज करने में ज्यादा वक्त बिल्कुल भी नहीं लगा। पर अब ये हालात और बदतर होते जा रहे थे, क्योंकि अब हमेशा ही डॉल कोई दूसरी जगह पर ही मिलती थी, ना कि उस जगह पर जहां उसे रखा गया था। और हद तो तब हुई जब एक दिन डोना अपने कमरे में आई, पर इस बार वो डॉल अपनी जगह पर ही थी। पर फिर भी उस डॉल को देखकर डोना को कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। और जब डोना ने उस डॉल को गौर से देखा तो उसे उस डॉल की आंख में खून लगा हुआ मिला, जिसे देखने के बाद डोना बेहद ही डर गई। इस हादसे के बाद डोना ने एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को उस डॉल को दिखाने के लिए बुलाया, जिनका काम होता है ऐसी चीजों की छानबीन करना। और जब उस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ने छानबीन की तो डोना को बताया कि उस डॉल के अंदर एक 7 साल की बच्ची की आत्मा है जिसका नाम है एनाबेला। और ये बच्ची 7 साल की उम्र में ही मर गई थी। ये बच्ची उसी जमीन पर रहती थी जहां पर ये बिल्डिंग बनी है। उस डॉल ने इन्वेस्टिगेटर को बताया कि वह एंजी और डोना के साथ रहने में सेफ महसूस करती है और इसीलिए वह उनके साथ ही रहना चाहती है और उसे सिर्फ प्यार चाहिए। ये सब कुछ सुनने के बाद डोना और एंजी को एनाबेला पे तरस आ गया और इसीलिए उन दोनों ने उस डॉल को अपने साथ रखने का ही फैसला किया। पर लव, जो इनका तीसरा रूममेट था, उसे ये डॉल शुरू से ही बहुत अजीब लगती थी और लव हमेशा से कहता था कि ये डॉल उसे खतरनाक लगती है और दोनों को इस डॉल को अपने पास नहीं रखना चाहिए। पर डोना ने इस डॉल को अपने साथ रखा क्योंकि डोना को लगता था कि ये बच्ची की आत्मा किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। पर डोना को क्या पता था कि उसकी ये बात जल्द ही गलत साबित होने वाली है। दोस्तों, अगले ही दिन लव अपने कमरे में सो रहा था, तब अचानक उसकी आंख खुली। पर लव को ऐसा महसूस हुआ कि वो अपने हाथ पैर हिला नहीं पा रहा है और जब उसने जमीन की तरफ देखा तो उसे एनाबेला डॉल दिखाई जो कि उसकी तरफ ही आ रही थी। और जैसे ही डॉल लव के ऊपर पहुंची, लव बेहोश हो गया। जब सुबह लव की आंखें खुली तब उसने डॉल को देखा, पर तब वो डॉल डोना के कमरे में ही थी। अब लव समझ नहीं पा रहा था कि कल रात जो उसके साथ हुआ वो एक सपना था या हकीकत, और इसीलिए लव ने किसी को भी कुछ नहीं बताया। पर ये अजीब चीजों का सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता, बल्कि उसी दिन जब एंजी और लव साथ बैठे थे तब डोना के कमरे से कुछ अजीब तरह की आवाज आई, पर डोना के कमरे में तो कोई भी नहीं था। इसीलिए एंजी और लो को लगा कि शायद घर में कोई चोर घुस आया है। और यही देखने के लिए जब लो डोना के कमरे में गया तो उस कमरे में उसे कोई भी नहीं दिखाई दिया, बस वहां पर वो एनाबेला डॉल जमीन पर पड़ी थी। और जैसे ही लो की नजर एनाबेला डॉल पर पड़ी, उसे ऐसा लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। और जब लो ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। पर तभी अचानक लो को सीने में बहुत तेज दर्द होने लगा और जैसे ही लव ने अपने सीने पर हाथ रखा, उसका हाथ खून से लथपथ हो गया और उसकी छाती पर
बड़े बड़े जख्म बन गए। बस अब क्या होना था, डूना और एंजी को भी इस बच्ची की आत्मा पर शक होने लगा था, क्योंकि एक बच्ची की आत्मा तो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगी। और इसीलिए डोना ने एक प्रीस्ट को इस डॉल को देखने के लिए बुलाया, जिनका नाम था फादर कुक। और फादर कुक ने ही दो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स को डोना से मिलवाया। और जब उन दोनों ने इस डॉल को देखा तो उन्होंने बताया कि इस डॉल के अंदर एक शैतान की आत्मा है, जो कि एक बच्ची की आत्मा होने का नाटक कर रही है। और उसका असली मकसद प्यार पाना नहीं, बल्कि इन तीनों रूममेट्स में से किसी एक के शरीर पर कब्जा करना था। और इसीलिए वो दोनों पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स इस डॉल को लेकर अपने घर चले गए। पर जब वो दोनों पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स इस डॉल को अपनी बैक सीट पर रखकर अपने घर लेकर जा रहे थे, तो उन्हें एक बहुत ही नेगेटिव एनर्जी अपनी गाड़ी के अंदर महसूस हो रही थी, और उनकी गाड़ी की ब्रेक और स्टीयरिंग बीच में बार बार खराब हो रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनका एक्सीडेंट हो जाएगा। पर उन्हें पता था कि ये सारी चीजें उस डॉल की वजह से हो रही है, इसीलिए उन दोनों ने उस डॉल पर होली वाटर डाल दिया, जिसकी वजह से वह दोनों इस डॉल को शांत करने में कामयाब हो गए। उस डॉल को घर ले जाने के बाद वहां पर भी ये डॉल अपनी जगह पर कभी भी नहीं रहती थी, जिसे देखने के बाद उन दोनों एक्सपर्ट्स को ऐसा लगा कि इस डॉल को रखने के लिए एक खास बक्सा बनाना पड़ेगा, और वह बक्सा सिर्फ इसी डॉल के लिए होगा। और कुछ ही दिनों बाद उस डॉल के लिए एक बक्सा बनाया गया, जिसके बाद से हमेशा से वो डॉल उस बक्से में ही है। पर उस बक्से में बंद होने के बाद भी उस डॉल के अंदर की आत्मा कभी शांत नहीं हुई, क्योंकि उसके कुछ सालों बाद एक कपल उस डॉल को देखने के लिए आया। और जब उस कपल ने उस डॉल को देखा तो वह आपस में उस डॉल का मजाक उड़ाने लगे, पर उन्हें क्या पता था कि यही मजाक उन्हें आगे कितना भारी पड़ेगा। जब वह अपने घर पे लौट रहे थे, तब भी वह बाइक पे उसी डॉल के बारे में मजाक उड़ा रहे थे, और तभी अचानक उस बाइक का एक्सीडेंट हुआ, और जिस लड़के ने एनाबेला डॉल का सबसे पहले मजाक उड़ाया था उसकी मौत हो गई, और उसके साथ जो लड़की थी उसे भी बहुत बुरी तरह से चोट आई। और जब उनसे बातचीत की गई तो पता चला कि जिस समय वह एक्सीडेंट हुआ उस समय भी वो उस डॉल का मजाक उड़ा रहे थे। उसके बाद जब उस बाइक की इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि बाइक में ऐसी कोई भी खराबी नहीं थी जिससे कोई एक्सीडेंट हो सके, पर उसके बावजूद भी उस लड़के ने अपनी बाइक का बैलेंस खो दिया था। अब दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस डॉल में वाकई कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से ऐसी कोई घटना घटित हो सकती है? और अगर आपको डॉल को देखने का मौका मिलेगा तो क्या आप इस डॉल को देखना पसंद करेंगे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ, जाने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में।